हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन करेंगे। ये असाइनमेंट डे 7 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर IIT के क्वेश्चन हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो कि पहला क्वेश्चन है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये 2002 में पूछा हुआ IIT का। क्या पूछ रहा है? पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा का पीरियड क्या होता है? तो आपको बताए हैं कॉन्सेप्ट में, वीडियो लेक्चर भी भेजे हैं कि आपको मालूम कि साइन थीटा का पीरियड कितना होता है, 2π। लेकिन यहीं हमारा साइन के पावर n थीटा हो, और यहाँ पर n हमारा क्या हो, अगर n हमारा इवन हो तब हमारा पीरियड कितना होता है, पाई। और n हमारा ऑड हो, n हमारा क्या हो, ऑड हो, तब पीरियड कितना होता है, 2π। तो देखो, आपसे पूछा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब n जो पावर में है ये क्या है, इवन है। तो इवन है तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। तो इसका आंसर हो गया पाई। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2, ये 2002 का भी पूछा हुआ IIT में। बोल रहा है विच वन इज नॉट पीरियोडिक, इसमें कौन सा पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहला देखो, साइन स्क्वायर एक्स पीरियोडिक है, पाई, इसका पीरियड है पाई। मॉड में साइन थ्री एक्स का मतलब, साइन थीटा, अगर साइन थीटा का पीरियड हमारा कितना होता है, 2π, तो अगर मॉड करेंगे तो उसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। तो रिजल्टेंट का पीरियड कितना हो गया, पाई, मतलब ये भी हमारा पीरियोडिक है। अब देखो, कॉस 4x भी पीरियोडिक है और टेन स्क्वायर एक्स भी पीरियोडिक है, तो रिजल्टेंट हमारा क्या हुआ, पीरियोडिक। यहाँ पर देखो, कॉस 2x मतलब कॉस थीटा भी पीरियोडिक है, साइन एक्स भी पीरियोडिक है, तो मतलब रिजल्टेंट पीरियोडिक। यहाँ पर कॉस रूट एक्स हमारा नॉट पीरियोडिक है, कॉस रूट एक्स जो है ये हमारा नॉट पीरियोडिक है। समझ में आई बात है? इसलिए ये पूरी रिजल्टेंट क्या होगा, नॉट पीरियोडिक होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा होगा, नॉट पीरियोडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये 2006 में पूछा हुआ IIT के। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, एक्स हमारा 0 से π के बीच में लाई कर रहा है, एंड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का वैल्यू कितना है, 1/2, मतलब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है, तो हमें टैन एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया है आपका, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 1/2। अब हमें इसको क्या करना होगा, टैन में कैसे करेंगे, तो इसको पहले हम साइन 2x में अगर कर लेते हैं तो साइन 2x को हम टैन में कर सकते हैं, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है। अब साइन 2x में तो इसको आसानी से कर सकते हैं, आप इसको स्क्वायर कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 1/4। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1, और ये फार्मूला पर बैठ गया, कितना हो गया, तो साइन 2x 1/4। तो हमारा साइन 2x कितना आ गया बच्चों, देखिए 1/4 - 1, और ये कीजिएगा तो कितना आएगा, -3/4, मतलब साइन 2x हमारा क्या आया, नेगेटिव। तो साइन 2x हमारा नेगेटिव आया, इसका मतलब है कि हमारा ये जो थीटा है 2x जो है कहाँ बिलोंग करेगा, इसका मतलब पाई से लेके 2π के बीच में बिलोंग करेगा, तभी तो नेगेटिव आएगा। अगर साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, मतलब पाई से 2π, थीटा यहाँ पर 2x है, तो ये हो गया। तो x कैसे, x यहाँ से निकाल लेंगे, 2 को इधर करो तो ये कितना हो जाएगा, π/2, और इधर कहे थे पाई आएगा, एक्स आ गया, मतलब एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, π/2 से π। ये क्लियर हो गया कि एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, π/2 से π, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। एक्स हमारा कहाँ है, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, अब देखो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इसको हम टैन में लिख सकते हैं, तीसरा फॉर्मूला होता है 2 tan x/1 + tan² x, ये -3/4। अब बच्चों, ये tan थीटा में, tan x में क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो
ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करना है तो हम ऐसे लेट कर लेते हैं क्या, टेन एक्स इक्वल टू वाई मान लो, तो ये टू वाई वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन फोर हो गया। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये एट वाई माइनस थ्री वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, इसको इधर लाएंगे तो ये थ्री होगा ना, तो ये अब इसको इधर लाएंगे तो ये थ्री वाई स्क्वायर प्लस एट वाई अब प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब हम इसको सॉल्व, डायरेक्ट वाई निकाल लेते हैं, हम जानते हैं जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़े होंगे तो एक्स बराबर कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। हम इसका यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर देखो ए बराबर थ्री है, बी बराबर एट है, सी बराबर थ्री है, तो चलिए तो होता है माइनस बी मतलब माइनस एट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब एट स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी अपर टू इंटू थ्री। तो हमारा वाई कितना आ गया, माइनस एट प्लस माइनस ये हो जाएगा सिक्सटी फोर माइनस थर्टी सिक्स अपॉन सिक्स, माइनस एट प्लस माइनस ये हो जाएगा ट्वेंटी एट अपॉन सिक्स। ट्वेंटी एट को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एट तो ये हो जाएगा टू रूट सेवन माने फोर सेवन जा ट्वेंटी एट, तो टू बाहर आ गया प्लस माइनस सिक्स। अब देखो अगर हम टू कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस फोर हो जाएगा प्लस माइनस रूट सेवन अपॉन सिक्स, ये कैंसिल तो ये थ्री, तो आ गया माइनस फोर प्लस माइनस रूट सेवन अपॉन थ्री। अब देखिए तो y बराबर आ गया माइनस फोर माइनस रूट माने प्लस में वाला थ्री और एक हो गया माइनस फोर माइनस रूट सेवन अपॉन थ्री। वाई हमारा क्या है, टेन अल्फा मतलब ये हो गया हमारा टेन अल्फा नहीं सॉरी टेन एक्स है, वाई हमारा क्या है टेन एक्स, टेन एक्स हो गया। अब हम देखेंगे कि ये टेन एक्स का वैल्यू दोनों होगा कि एक होगा, कौन सा होगा। अब ध्यान से देखो x हमारा, x हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं कि x हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब x की जो वैल्यू है जो थीटा है वो 90 से पाई के बीच में कर रहा है, तो उस केस में हमारा टेन थीटा मतलब टेन एक्स जीरो से छोटा होगा, नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव होगा तो ये भी तुम्हारा नेगेटिव है, माइनस फोर माइनस सेवन अपॉन थ्री ये भी नेगेटिव, ये भी तुम्हारा नेगेटिव है ठीक है, क्योंकि ये माइनस फोर बड़ा है तो दोनों नेगेटिव है। अब ऑप्शन देखो क्या है, कौन सा आंसर दिया हुआ है, तो ये देखो ये तो होगा नहीं, फोर माइनस ये भी नहीं होगा, ये तो है ही नहीं, और ये नहीं होगा, ये होगा, यहाँ पर आपका ये पूरा फुल ब्रैकेट होना चाहिए, इसका मतलब ये आंसर होगा ठीक है। तो इसका अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन, हमारा यहाँ पर टेन एक्स का वैल्यू कितना जगह माइनस फोर माइनस रूट सेवन अपॉन थ्री, ऐसे ये भी होगा क्योंकि ये भी नेगेटिव है टेन, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। ओके बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर 2010 में पूछा हुआ है ठीक है, क्या बोल रहा है, लेट कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, साइन अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, अल्फा जीरो से बड़ा है बराबर, बीटा पाइस पूरे बराबर, हमें टेन टू अल्फा निकालना है। अब देखो टेन टू अल्फा निकालना है तो टेन टू अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में हमें लिखना पड़ेगा कैसे, तो देखो ये देखो अल्फा प्लस अल्फा हम प्लस बीटा कर दिए माइनस बीटा कर दिए तो वहाँ से आ जाएगा हमारा टेन। अब देखो अल्फा प्लस बीटा एक साथ हो गया, अब प्लस अल्फा माइनस बीटा एक साथ, अब चलो देखो अब पूरे को a मान लो इसको b मान लो, tan a प्लस बी के फॉर्मूला पर बैठ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन वन प्लस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। अब इसकी वैल्यू निकालोगे और रख दोगे आंसर आ जाएगा। अब ये कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया है तो साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और साइन अल्फा माइनस बीटा दिया है तो कॉस निकाल लेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं, तो देख लीजिए बच्चों कितना दिया हुआ है, कॉस अल्फा प्लस बीटा
यहाँ पर हमें दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा 4/5 दिया है। तो हम जानते हैं अगर हमें साइन निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर हम थीटा की जगह अल्फ़ा लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा 16/25। तो कितना इसको सॉल्व करो, 25 माइनस 16/25, ये हो जाएगा 9/25। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से हम तो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 9/25 तो 3/5 क्या आ गया, 3/5 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यह हमारा 3/5 आ गया। और अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा जो है और 4/5 दिया है, तो आई थिंक ये दोनों हमारा, ये देखो अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी है और बीटा की वैल्यू 0 4/5 से छोटी है, मतलब ये दोनों हमारा एक्यूट एंगल ही होगा, क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। और अल्फा माइनस बीटा भी क्या दिया है, छोटी काला, ये अल्फा माइनस बीटा ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये अल्फा माइनस बीटा भी हमारा एक्यूट एंगल होगा, तो ये हमारा आ गया 3/5, अच्छा पॉजिटिव ही होगा। अब देखिए साइन हमारा क्या दिया, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कितना दिया, 5/13, तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह क्या रख दो, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमारा 1 माइनस कितना हो गया, 25 और 169, मतलब 5/30 का स्क्वायर किया गया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 144/169, तो कितना हो गया, 12/30, अच्छा नहीं, स्क्वायर रूट करेंगे तब ना, अभी तो कॉस अल्फा माइनस बीटा आता है, स्क्वायर रूट करेंगे तो 12/30, ओके ये भी हमारा एक्यूट एंगल है तो ये पॉजिटिव होगा। अब टैन निकाल लेते हैं, टैन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो साइन बटा कॉस, तो यहाँ पर होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा 3/5 है और ये होगा 4/5, तो 5/5 कट गया, ये हो जाएगा 3/4। अब हो गया टैन अल्फा माइनस बीटा, तो कितना हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13 है और ये 12/13, 13 कैंसिल से तो 5/12। अब वैल्यू हम रख देते हैं किसमें, इसमें रख देते हैं, तो यहाँ से देखो टेन टू अल्फा, ठीक है, मतलब रख दो कितना, टेन 2 अल्फ़ा बराबर हम लिखे हैं टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये कितने के बराबर है जी, तो टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन अल्फा माइनस बीटा अपन 1 प्लस टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा, तो वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3/4 प्लस 5/12, 1 प्लस 3 इंटू ये 3/4 और 5/12, सॉरी ये माइनस होगा, तो उसको सॉल्व करते हो कितना आ जाएगा, एलसीएम ऊपर का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 भी, तो 4 से कितना हो जाएगा, 9 और ये हो गया 5, और ये कितना हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा कितना है, 48, और ये हमारा 48 माइनस 15, तब इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, ऊपर आया हमारा 14/12 और नीचे देखो 48 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 48 में से 15 घटा, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 3, तो ये हो गया बच्चक 48, तो ये कितना आ गया,
ये कटेगा 1656 अपॉन 33 है, 56 अपॉन 33, देखो 56 अपॉन 33 यही आंसर होगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 56 अपॉन 33 आएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 14 को 4 से करोगे तो 56 आएगा और 33 आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट करते हैं, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा जो है ये 2019 का आईटी का पूछा हुआ है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, वैल्यू कॉस स्क्वायर 10 माइनस कॉस 10 इंटू कॉस 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 क्या होगा। चलिए तो ये तो हम आसानी से, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा पर टूट जाएगा, कॉस स्क्वायर 10 माइनस, इसको इधर लिखते हैं, कॉस 50 को इधर लिख लो, कॉस स्क्वायर 50 माइनस कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 50, तो ये तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। आपका फार्मूला ये तो होता ही है, कॉस मतलब ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू 10 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू 15 अपॉन 2। इसमें क्या करें, इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब क्यों करना होगा, तो हमें 2 से डिवाइड करना होगा, इसलिए करना होगा कि ये फार्मूला पर बैठे, ये 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस बी, ये होता है। तो चलिए लिख लेते हैं, ये हमारा कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारा, ये 1 प्लस कॉस 20 प्लस, इसको ऐड कर लो, और ये 1 प्लस कॉस 100 अपॉन 2 ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर देखो ये माइनस है तो हो जाएगा, यहाँ पर नीचे लिख लेते, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन 2 या 1 अपॉन 2 कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 कॉमन लेंगे तो 1 अप्लाई, देखो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, अब प्लस कितना हो जाएगा कॉस 20 प्लस कॉस 100, और ये माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा कॉस 10 माइनस कॉस 50 प्लस कॉस 10 प्लस कॉस 50, तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम सॉल्व करें तो ये तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 कॉस 20 प्लस कॉस 100 माइनस, ये देखो ये हो गया हमारा कॉस माइनस 40 डिग्री, कॉस माइनस 40 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस हमारा 60 डिग्री, तो कॉस माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो कॉस 40 लिख लें। चलिए अब आदत लिख देते हैं, 1 अपॉन 2 कॉस 20 प्लस 1 अपॉन 2 कॉस 100, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 40 और माइनस कॉस हमारा 60। अब कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1 अपॉन 2, तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 कर दें, तब देखो ये 1 और ये माइनस में है तो इसको रख देते हैं ये, अब इनमें से हम क्या कर लें, तो 1 अपॉन 2 कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस, ये 20 है, कॉस 20 प्लस कॉस 100 माइनस कॉस हमारा 40 हो गया। अब यहाँ पर देखो कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला लग जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी का, ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2, कॉस ए प्लस कॉस बी कितना होता है, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, और ये माइनस कॉस हो गया 40,
तो आ गया 3/2 प्लस 1/2 ये 2 कॉस 120/2 तो 60 हो गया, और ये हो गया कितना, ये हो गया कॉस माइनस 40, तो माइनस कॉस 40। अब कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, अब बात करें कि हमारा कि कॉस 60 का वैल्यू 1/2 ही होता है, और कॉस माइनस थीटा हमारा कितना होता है, कॉस थीटा ही होता है, और ये कॉस 40, ये 2 कैंसिल, कितना आ गया 3, ये आ गया हमारा 3/2 प्लस 1/2, देखो कॉस 40 माइनस कॉस 40 ये 0 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2 प्लस 0 तो 3/2, आपका आंसर कितना होगा इसका, ऑप्शन 3/2, ये देखो ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका एनडीए का पूछा हुआ है, ये हमारा एनडीए पूछा हुआ, एनडीए का क्वेश्चन, ये बोल रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू, इसका हमें वैल्यू निकालना है जो दिया हुआ है, तो चलिए निकालते हैं। क्या दिया है, साइन 34 कॉस 236, यहाँ पर साइन 56 साइन 124, अपन में कॉस 28 दिया हुआ है, कॉस 88 दिया है, प्लस कॉस 178 और साइन 205 दिया हुआ है, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो कितना हो जाएगा, साइन देखो 34 है और कॉस 236 माइनस साइन 56 साइन 124, क्या दिया है, कॉस 28 कॉस 88 और कॉस 178 और कॉस 205। तो अब देखो 34 को हम क्या लिख सकते हैं, 34 को छोड़ दो वैसे ही, 236 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो साइन 34, तो देखो इसको हम चेंज करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो अच्छा 180 में 56 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/8, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 56, ऐसे लिख देंगे 180 डिग्री प्लस 56। अच्छा ये माइनस, ये साइन हो गया 56। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो या इसको हम 180, या इसको हम लिख दें क्या 90 या प्लस 34 लिख देते हैं। ओके आगे देखो, ये हमारा कॉस है 28 और कॉस ये हो जाएगा 90 माइनस 2 और ये हो गया कॉस, यहाँ पर 178 है तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 2, 180 माइनस 2 कॉस 205, तो 205 है तो इसको हम 205 है, इसमें लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ गलत है, 205 नहीं होना चाहिए। ओके तो बच्चों देखो, यहाँ पर ये साइन होगा कॉस नहीं होगा, ये हमारा साइन होगा, और ये 205 नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पर 208 होना चाहिए तभी होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, थोड़ी सी ये क्वेश्चन में गलत हो गया, 208 होगा। अब हम इसको कर सकते हैं क्या, साइन 180 प्लस 28, अब चलो हो जाएगा, तो देखो साइन 34 ये हमारा कितना हो जाएगा, कॉस 180 प्लस 56, तो ये हो जाएगा माइनस में, कितना आ जाएगा, तो कॉस ये माइनस में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये यहाँ पर माइनस लगा दिए क्योंकि ये माइनस में है, माइनस हो गया साइन 56। अब ये कितना हो जाएगा, ये साइन का वैल्यू देखो, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन की वैल्यू प्लस ही हो जाएगा, लेकिन ये कॉस 34 होगा। आगे देखो, यहाँ पर हो गया हमारा कॉस 28 और ये देखो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन 2,
प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा निगेटिव होता है, ये 180 है तो चेंज नहीं करेगा, तो कॉस 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, या थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो ये हमारा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा साइन 28। ओके, 180 है तो चेंज नहीं करेगा। अब देखो, अब आ गया माइनस कॉमन लिए तो साइन 34 कॉस 56 प्लस साइन 56 और कॉस 34। और यहाँ पर देखो, यहाँ भी तो ये तो सेम ही है, यहाँ पर कॉस 28, यहाँ पर कॉस 28 लिखो या साइन 2 डिग्री लिख लो, पहले बात तो एक ही है, ठीक है? तो यहाँ पर कॉस 28 साइन 2, कॉस 2 और साइन 28। अब ये फार्मूला क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, मतलब यहाँ पर, या साइन बी इंटू कॉस ए, इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर कॉस 34 और साइन 56 हो गया ये। तो ये ऊपर में क्या आ गया, साइन ए प्लस बी, 34 ए 56। नीचे भी वही फार्मूला लग जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन 28 प्लस 2। ये माइनस साइन कितना है जी, ये हो जाएगा 90, 6 4 10 90, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 30। अब साइन 90 का वैल्यू 1, माइनस ऑलरेडी है, और साइन 30 का 2, तो ये हो गया माइनस 2। इसका आंसर आ जाएगा माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका एनडीए में पूछा हुआ 2016 में, क्या बोल रहा है, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, तो साइन 81 डिग्री निकालना है। अच्छा, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ले लो ऐसे, ठीक है, राइट एंगल, ये तुम्हारा 18 कितना है जी, 18, तो ये हमारा 18 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है? तो 18 डिग्री जब हमें ये दिया हुआ है, 18 डिग्री क्या दिया हुआ है, साइन 80 डिग्री हमारा क्या दिया है, तो रूट 5 माइनस 1/4 दिया हुआ है। अब देखो इसका मतलब है थीटा, अब आपको मालूम होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच, तो पी हमारा कितना हो गया, ये तुम्हारा पी का काम करेगा, ये तुम्हारा एच का काम करेगा, तो एच हो गया हमारा 4, अब पी हमारा हो गया रूट 5 माइनस 1। इसका मतलब हम बी निकाल लेंगे, तो बी मान लिए एक्स, तो हम बी आसानी से निकाल लेंगे, तो चलो बी निकाल लेते हैं, तो बी कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और ये रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 16, चलिए माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर तो 5 प्लस बी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab तो 2 रूट 5, तो ये कितना हो गया 16, ये हो गया 6, ये देखो माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 10 प्लस 2 रूट 5, तो ये तो बी स्क्वायर बराबर हो गया 10 प्लस 2 रूट 5, तो बी बराबर हो गया अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5। अब ये आ गया बी, अब देखो ये 18 डिग्री है, ठीक है, तो अब देखो 18 डिग्री तो साइन 18 है, तो कॉस 18 निकाल लेंगे, बी आ गया तो क्या निकालेंगे, कॉस 18 डिग्री, तो वहाँ पर कॉस 18 डिग्री क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, मतलब रूट 10 प्लस 2 रूट 5/4, ये आ गया। अब देखो अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है साइन 81 डिग्री, तो अगर हम कॉस 9 डिग्री निकालेंगे तो हम साइन 81 निकाल लेंगे, क्यों, 81 प्लस 9 कितना होगा 90। ओके, तो चलिए इसका हम यूज कर लेते हैं,
कौन से फॉर्मूला पर? देखो टू थीटा वाला पर। देखो यहाँ पर कॉस टू थीटा बराबर, ठीक है, कितना होता है? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अगर हम थीटा कितना ले लें, 9 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? तो कॉस टू थीटा कितना हो जाएगा? टू इंटू 9 डिग्री, टू कॉस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस वन। तो यहाँ से देखो तो कॉस स्क्वायर 9 इधर ले जाओ कितना हो जाएगा? प्लस, तो 1 प्लस cos 18 और अपॉन 2। चलो सॉल्व कर लो, तो पहले चलो इसको कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस कितना हो जाएगा? 10 √2 √5/4। तो ये आ जाएगा 4 प्लस √10 + 2 √5 और अपन में 4। ये साइन, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो हमारा कितना, अगर हम कॉस स्क्वायर 9 करें तो कॉस स्क्वायर 9 डिग्री, 2 को इधर ले जाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 प्लस √10 + 2 √5 और अपन हो गया 8। अब देखो कॉस, अब हम जानते हो कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 81। 9 को क्या लिख सकते हैं? 81। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 81। तो इसका मतलब ये वैल्यू सेम है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 81 हमारा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर 9 के। तो ये कितना होगा? 4 प्लस √10 + 2 √5/8। अब हमें निकालना है कितना, अब दोनों ओर स्क्वायर कर दें तो देखो कौन सा आंसर है इसमें, ठीक है। इसमें हम ओके लगभग तो आ ही गया है, ओके। तो देख लीजिए कि साइन स्क्वायर 81 कितना आ गया? 4 प्लस √10 + 2 √5/8। अब देखो हमें निकालना है साइन 81, तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो रूट आएगा, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ऑप्शन से देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, हमें क्या करेंगे, ये साइन 81 निकालना है साइन स्क्वायर, तो इसमें ऑप्शन का स्क्वायर करो, और ऑप्शन का स्क्वायर करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही आएगा। तो ऑप्शन का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा जो है, ऑप्शन का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए 4 प्लस √10 + 2 √5/8। तो ऑप्शन ए मैच करेगा, ऑप्शन ए हमारा मैच करेगा। तो आप स्क्वायर करके एक आइडिया तुरंत ही निकल जाएगा, एक का स्क्वायर करोगे तो तुरंत आइडिया निकल, थोड़ा प्लस माइनस का अंतर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आएगा, ठीक है ना। अगर इसमें हम ऑप्शन का स्क्वायर करते हैं और करने के बाद चेक करेंगे कि ये किसके साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए आएगा। ओके बच्चों, ये आपका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें